मैं खुद माइनॉरिटी की पूरी मैं ये जानता हूँ, जो माइनॉरिटी के वर्कर हैं एक एक को नाम से मैं जानता हूँ। मैंने तो पहली बार इसका नाम सुना। जहाँ तक आपने बताया है कि तस्वीर का, तो उस वक्त बहुत से लोग ज्वाइन करने आए थे 2009 के वक्त में, लेकिन जो बाई इलेक्शन हुआ था ओखला का, उसमें ये कांग्रेस के लिए काम कर रहा था। इसने पर्चा निकाला है कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस के उम्मीदवार को नंबर वन पे बता के और बीजेपी के उम्मीदवार को नंबर चार पे बता के इसने पर्चा निकाला। ये पूरी तरह से स्वामी रामदेव जी को अपमानित करने आया। इसका कोई संपर्क भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। और जब चुनाव आता है तो कुछ लोग गुलदस्ता लेके आ जाते हैं, और इस तरह के लोग, क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ने लोकसभा का भागलपुर चला गया था, तो मेरे पीछे में वो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आया था, लेकिन उसके बाद बीजेपी से वो चला गया और बीजेपी से कोई संपर्क उसका नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और मैंने तो उसको कभी भारतीय जनता पार्टी में काम करते देखा ही नहीं है। सर, माइनॉरिटी मोर्चा के आप प्रेसिडेंट हैं, आपकी रहे जानकारी थे में नहीं था, आपसे पूछा नहीं गया उस समय जब थे आप। तो उसके बाद राजनाथ सिंह ने उनको ज्वाइन कराया, और सिर्फ ज्वाइन नहीं कराया, गुलदस्ता नहीं लिया, बल्कि गाजियाबाद में उन्होंने प्रचार भी किया। तो माना जाए कि ये राजनाथ की पसंद थे। नहीं, कोई जो कुछ लोग होते हैं जो जिनको लग रहा था ये उन लोगों में से है जब भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आ सकती है, तो ऐसे कुछ लोग आए थे उस वक्त। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। ये पूरी तरह से ओखला की बाई इलेक्शन में जब मैं गया था, इसने तीखा विरोध भारतीय जनता पार्टी का किया था। अब पुराने फोटो दिखा के वो बीजेपी से जोड़ना ये सही नहीं है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी आरएसएस का एक थिंक टैंक है, विवेकानंद ट्रस्ट, उसमें चार लोग बैठते हैं, गुरु मूर्ति, गोविंदाचार्य, सतीश डोभाल और एक और सज्जन नाम लिया, सुब्रमण्यम स्वामी। इन लोगों के डर्टी माइंड का ये गेम है, गेम प्लान है, और इन्हीं लोगों ने स्याही बाबा रामदेव पर फिकवाई है ताकि हिंदू मुस्लिम डिवीजन किया जा सके। देखिए, दिग्विजय सिंह जानबूझकर ऐसा बयान देते हैं जिससे तनाव पैदा हो। अभी तक कोई सांप्रदायिकता इसमें नहीं दिख रही थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों को हर चीज़ में सांप्रदायिकता दिखती है। ये स्वामी रामदेव काला धन के इशू को लेकर पूरे देश में निकले हैं, वो एक नेक काम कर रहे हैं, और ये पूरी तरह से प्रायोजित है। जिसने ये काम किया है, ये काला काम है, ये गंदा काम है, इसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। और हम ये मानते हैं कि डर्टी माइंड से, ये काले दिमाग से काली बात सोच रहे हैं कांग्रेस के नेचा। नहीं, नेचा बोला गया, नहीं हो पाया। ये काले दिमाग से काली बात सोच रहे हैं कांग्रेस के ये नेता। इनको साफ मन से, क्योंकि काले धन पर कांग्रेस घिरी हुई है, इसलिए वो काली स्याही का खेल रचना चाहती है। ये व्यक्ति, इसकी मानसिकता एकदम स्वामी रामदेव के अभियान पर कालिक पोतने की थी, और इससे इसमें ज़रूर साजिश की बू आती है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि स्वामी रामदेव को कौन लोग हैं जो अपमानित कराना चाहते हैं। इन लोगों की पहचान होनी चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मायावती देखिए, अपन मायावती जी को अपने जन्मदिन पर यूपी के लोगों पर जो उनका शिकंजा, उससे मुक्त कर देना चाहिए, और यूपी के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन भारतीय जनता पार्टी देगी। और जब सत्ता में थी तो बहुत सारे तोहफे उनको मिलते थे, अब उत्तर प्रदेश में कोई तोहफा उत्तर प्रदेश की जनता उनको देने वाली नहीं है। कांग्रेस के कार्यक्रम में टिकट को लेकर कुर्सियां चली हैं, नकवी जी को भी कानपुर में घेर लिया गया था, ये क्या हो रहा है? सभी राजनीतिक दलों में क्या केवल टिकट के लिए ही कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में तो कुर्सी चलने की पुरानी परंपरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई विवाद नहीं है। सारे कार्यकर्ता काम पे लगे हैं, और उत्तर प्रदेश में कमल का खिलना तय है, और लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए कुर्सियां चल रही हैं। हम लोगों का एक डेलीगेशन, सारे वरिष्ठ सांसद हैं कई पार्टियों के, और इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों इसके लिए पार्लियामेंट्री फोरम पर प्रयास होते रहते हैं। ये उसी प्रयास का नतीजा है, और मैं ये समझता हूँ कि
दोनों देश के हित में है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे रहें।